ये क्राउन है, ये पिनियन है, ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। तो भाई साहब धूप देख सकते हो कितनी ज़ोरदार जो है वो हो रखी है। तो चलिए कर रहे हैं आज के दिन की शुरुआत अपनी गॉब्लिन के साथ। भाई साहब गॉब्लिन इसको नाम दिया था इसके कलर की वजह से, अब तो ये अलग ही कलर पर लग तो प्यारी दिया, अभी नाम इसको जो है वो अलग से देना पड़ेगा हमें। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल आज के प्लान्स क्या है, निकलता हूँ यहाँ से और फिर बताता हूँ आपको कि क्या प्लान्स है। निकल के बाहर ही आया था और ये छोटू आ गया। क्या हाल चाल है छोटू, पानी पीना है? अभी एक्चुअली निकला, रूम वूम लॉक कर दिया था मैंने, तो फिर पानी पिलाना इज अ गुड थिंग। तो जाता हूँ ऊपर, देखता हूँ बॉटल वाटर पे पड़ी होगी, पानी लेकर आता हूँ। दो बोतल ही भर लेता हूँ, एक बोतल से तो क्या ही होगा, गर्मी इतनी है, एक बोतल और पड़ी है। मोदी जी क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है। तो गाइस फिलहाल का मसला ये है, अब क्या है कि बोलेरो हमने अपनी जो है वो दिल्ली छोड़ दी थी। पहले तो मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत काम कुछ आपको उसका दिखाएंगे भी, बट चलो वो डिले हो गया और काम जो है गाड़ी का ऑलमोस्ट हो चुका है, जो उसकी डिफरेंशियल रेशियो है वो चेंज हो चुकी है। तो आज जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, मैंने एक स्टोरी सी भी डाली होगी, 5 दिन स्टोरी डाली थी, मैंने मेंशन भी किया था। अब दिक्कत ये हो गई कि आते हुए हम लोग आए बस पे, और बस का सफर बड़ा ही ज्यादा मतलब लंबा भी है और कम्फर्ट वाइज भी ऐसे, तो मैं बस में वापस जाना नहीं चाह रहा। ट्रेन का चक्कर ये है कि भाई मैं सोच रहा था वंदे भारत पे जाए, लेकिन वंदे भारत की क्या है टिकट्स ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है काफी छुट्टियां सी थी ना, तो लोग आए गए होंगे, तो सबकी अपनी अपनी बुकिंग्स रहती होंगी, तो उसमें ना टिकट ही नहीं मिल पा रही है वंदे भारत में। दिक्कत ये है कि करें तो करें कैसे, जाना तो ट्रेन में ही है, क्योंकि बाई एयर भी जाने को तो जा सकते हैं, लेकिन ना अभी प्रीमियम अपन हुए नहीं है, बाई एयर काफी ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। आज अक्षय भाई को मैंने फिर से बोला है, तो अगर टिकट हो पाती है तो फिर चलते हैं, निकलते हैं, पर अब जाना ही है दिल्ली यार, क्योंकि काम जो था वो तो हो गया, तो अब अगले काम की ओर अग्रसर हुआ जाए। और यहाँ पे किस चीज का जाम लगा हुआ है, और आज क्या है, रामनवमी है, महानवमी है, तो आप देख सकते हो सारे लोग बाबे वाली माता आज जो है वो जो शाखें पीजी जाती हैं उनको प्रवाहित करने का दिन भी होता है। कुछ लोग कल भी कर लेते हैं, कुछ लोग आज भी करते हैं, तो आज जितनी भी चहल पहल है वो सारी वही है, देख सकते हो आप। तो चलो, अपनी लाइफ तो एक ही पैरलर उसमें चलती है, अपन की लाइफ में कोई त्योहार नहीं, कोई कुछ नहीं, रोज सुबह निकलना है, गाड़ी का काम करवाना है, वीडियो बनानी है, बट ठीक है, यही लाइफ का फन है, बट थोड़ा सा चेंज तो चाहिए। क्या भाई, बिल्कुल चेंज भी करेंगे गाइस, चेंज भी करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ करेंगे, बस थोड़ा समय चाहिए हमें। लो जी, हो चुकी है रात और फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। लकीली हमारी जो ट्रेन है वो भी हो गई, स्लीपर ही है, स्लीपर नहीं मतलब 3rd AC, ठीक है, 3rd AC की हमारी ट्रेन है, और 9:40 पे जो ट्रेन है वो चलनी है। और अभी जो टाइम है वो आप देख रहे हो 8 बज के मतलब 8:30 जो है हो गए, लगभग 1 घंटा 10 मिनट है। तो फटाफट से जाते हैं, मोहित को पिक करते हैं और निकलते हैं, और जो भी अपडेट है वो आपको बताते हैं। निकल रहे हैं फाइनली, और देखते हैं कि भाई साहब बोलेरो का जो काम है वो तो कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन क्या कुछ फर्क पड़ा है परफॉर्मेंस में, चलाने में, वो तो जब पहुंचेंगे तो तभी पता चलेगा। और मुझे लग रहा है कि पिछले कल जो है आपने वीडियो भी नहीं देखी है, क्योंकि मतलब यार अब थोड़ा ना एक चीज हो गई, जैसे ना एक मिनट सीट बेल्ट बोल बताता हूँ। तो जी मैं आपको बता रहा था कि पिछले कल में आपने जो है वीडियो क्यों नहीं देखी, मैं आपको एक वो बताता हूँ, फैक्ट्स कुछ बताता हूँ। ये वीडियो पे हम अगर हम एवरेज व्यूज की बात करते हैं तो आज के डेट में लगभग लगा लो आप 60,000 जो है मुझे 24 घंटे के आसपास आते हैं, तो 60,000 एवरेज व्यू है। तो 60,000 का 1% कितना बनता है? 600। तो बेसिकली 60,000 का जो 1% है वो बनता है 600। नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे काफी ज्यादा, वो नेगेटिव कमेंट्स पता है कितने होंगे? 10 होंगे, बिकॉज टोटल जो कमेंट है वही 100, 150, 200, 300 ही होता है, मतलब 600 का भी आधा लगा लो, 0.5% लगा लो आप, ठीक है। तो मतलब मुझे 1% से भी कम जो है कमेंट आते हैं, और उसमें भी अगर हम नेगेटिव कमेंट्स की बात कर लें तो वो मुझे कितने ही आते हैं, 0.01% होगा या कितना होगा। बट वो जो मैंने 5-6 कमेंट पढ़ लिए ना आज, उससे मतलब मैं इतना डीमोटिवेट हो गया, ये कहा कि मेरे से कोई प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, मेरा कंटेंट कुछ नहीं है, बोरिंग है। हालांकि देखो वो रेशो कितनी कम थी, लेकिन उनका हमारे दिमाग की साइकोलॉजी पे इतना असर पड़ता है कि मतलब मैं उन सारी चीजों को लेकर इतना नेगेटिव हो गया, मेरा मूड ही ऑफ हो गया, और फिर कुछ था भी नहीं वीडियो, नहीं तो क्या कहानी तो मैं कर ही लेता हूँ, लेकिन फिर ना मेरा कहानी करने का भी मन नहीं करा। मैंने कहा नहीं यार, मुझे आज वीडियो बनानी नहीं है। फिर मैं जब रूम पे गया रिलैक्स होके मैंने वो सारी चीजें सोची, फिर मैंने कहा नहीं यार, मतलब ये कितना कम जो है परसेंटेज है। मैं इस कम से परसेंटेज के लिए, अगर जो इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, इतने सारे लोग जो मुझे प्यार करते हैं, तो वो सारे लोग भी तो हैं, तो उन सब के लिए मुझे जो है मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी बात, खुद के लिए जो है मेहनत करनी है। तो बस एक छोटा सा किस्सा है, पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मैं आपको पढ़ के ही बताऊँगा। गाली गलोच भी लिखते हैं लोग। देखो, किसी का लिखने में तो कुछ नहीं जाता। देखो यार, मेरी लाइफ भी है, मुझे लाइफ में बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। सिर्फ एक गाड़ी मैंने ले ली, मैं उसी पर ही तो हर टाइम नहीं ना रह सकता। मुझे वापस आना है, फैमिली के पास जाना है, मेरे कुछ और काम भी होते हैं। अभी इवन कि मैं टॉप प्रायोरिटी पे जो है अपना वो गाड़ी वाला काम ही करता हूँ। तो नेगेटिव कमेंट तो आएंगे ही आएंगे, आप फोकस करो अपने आगे उस पर। तो ठीक है, टाइम आप देखो 54 हो चुके हैं लगभग। हमारे जो है 46 मिनट जो है वो रह गए हैं ट्रेन को आने में। तो फटाफट चलते हैं ट्रेन के पास, ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए। पहुँच गए जी रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन की जर्नी आपको दिखाते हैं। कुछ सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। मोहित पहली बार जाना नहीं गया होगा ट्रेन में, दूसरी बार। चलो चेकिंग का तरीका थोड़ा कैजुअल था इधर पर, चलो ठीक है। ट्रेन हमारी अभी कितनी है, 9:40 पे ना? कितना टाइम हुआ? न्यू वॉच। अरे भाई, ऐसी जगहों पे आके लगता है कि वाकई हमारे देश की आबादी काफी ज्यादा है। कुछ ज्यादा ही है। हम क्या है कि जल्दी आ गए हैं, ट्रेन आनी है 40 पे, अभी हुए हैं 20। कम से कम भी 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। और अगर ट्रेन थोड़ी सी डिले हो गई तो हमें और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, पर कोई मसला नहीं है, वेट कर लेंगे, लेट नहीं हो सकते। ऐसा लगता है अपनी ट्रेन आ गई है। कुछ तो हलचल हो रही है। और संपर्क क्रांति आ गई भाई। चलो, हमारा M3 है जो कि यहीं पे ही है, इसमें लिखा हुआ था ऊपर M3 जगह। हम बिल्कुल सही जगह बैठे हैं शायद। इंडियन रेलवेज संपर्क क्रांति कहाँ लिखा है? हाँ, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लिखा हुआ है। चले फिर अंदर M3 डिब्बा अपना। सीट मिल चुकी है 15 और 16। मोहित आज मेरे सर के ऊपर, ठीक है, कंबल वंबल दिएगा ना, सही है, ठंड लगी रात को। बस में बैठे थे, उन्होंने 9:30 बोला था, 10:30 चले थे। ये 9:40 पे पहुंची और 10 मिनट में चल भी पड़ी। गुड, ये हमें टाइम पे दिल्ली पहुंचा देगी और बढ़िया है, मतलब मेरे को तो अच्छी लग रही बैठे, है ना। तो चलो जी, अभी के लिए सोते हैं और सुबह आपसे मिलते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी, 7:30 बजे हमारी ट्रेन जो है वो दिल्ली पहुँचने की। अपने तो मतलब ऐसी किस्मत है जिसमें हम बैठे हुई चीज़ लेट हो जाती है। ट्रेन भी कोई 2 घंटे लेट हो गई है। अभी देखते हैं कि कितने बजे तक जो है हम पहुंचेंगे दिल्ली। तो जी चलिए, अभी आगे ट्रेन के साथ में यहाँ से थोड़ा सा व्यू चेक करेंगे। रिस्की भी रहता है, ज़्यादा व्यू भी चेक नहीं करना चाहिए। फोन वोन गिर जाए तो सारा व्यू इधर ही निकल जाए। चलो ठीक है, ट्रेन अभी तो काफ़ी लेट है। और आज का प्लान, आज तो वीडियो, मतलब आज जिस दिन हम ये कर रहे हैं उस दिन तो वीडियो नहीं आएगी, बट नेक्स्ट डे की वीडियो हमें शूट करनी है। कोई दिक्कत नहीं, बस पहुंच जानी चाहिए ट्रेन। मतलब बिल्कुल ही 2-3 बजे पहुंचे फिर तो काफ़ी लेट हो जाएगा। 10-11 भी पहुंच जाएगी तो सही है। 11 बज गए, 7:30 से कितना लेट हो गया, 3-3.5 घंटे। 3.5 घंटे लेट होने के बाद पहुँच गए। चलो आगे की दौड़ शुरू करेंगे। चलो तो जी फाइनली आ चुके हैं कैब में। तो अब यहाँ से पहुँचते हैं और जो भी प्लान है वो कंटिन्यू करते हैं। खाना वाना खा के, नहा के, फ्रेश होके एकदम रेडी हो चुके हैं। देखो ना, फ्रेश चेहरे से एक वाइब भी अलग सी आती है। तो फिलहाल क्या है कि कैब को कॉल कर दिया था और कैब भी जो है जस्ट पहुंचने वाली है। फिर फटाफट से जाएंगे पाजी के पास और देखते हैं भाई साहब बोलेरो। उन्होंने मुझे एक ना वीडियो भेजी, उस वीडियो में तो जो मैंने देखा, उसको देख के तो मेरा मन ही मतलब ऐसे हो गया। मैंने कहा क्या ये अपनी ही बोलेरो है। आज हम जाके टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई क्या ये अपनी ही थी। चलो जो भी डिफरेंसेज है और डिफरेंशियल रेशो का काम कैसा होता है, पाजी से ही मैं कुछ क्लिप्स वगैरह लूंगा, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कैसे फर्क पड़ता है। और जो फ़र्क पड़ा होगा वो तो आपको रिजल्ट में दिखेगा। कमरे से निकले थे तब से यहाँ तक 1 मिनट ही दिखा रहा है। अभी तक 1 मिनट हुआ क्यों नहीं है? कहीं अटक तो नहीं गई गाड़ी, हिली नहीं रही है अपनी जगह से। ये अपनी कैब। चलो सो गाइस, जैसे कि आप अभी नोटिस कर पा रहे हो कि दिल्ली में आके हमारी गाड़ी अगर हमारे पास पास नहीं होती तो हमें क्या है कि टैक्सी वगैरह करनी पड़ती है। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं ये मैं मैनेज करता हूँ अपने बाइनोमो ऐप से। और वो मैं कैसे करता हूँ चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में बाइनोमो ऐप को डाउनलोड करना है और उसे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको दिखेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो इसमें आपको सिंपली प्रेडिक्ट करना होता है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा या नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रियल अकाउंट है, प्लस यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट मिल जाएगा जिससे कि आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए ग्राफ को जो एनालाइज करेंगे और मुझे लग रहा है ग्राफ जाने वाला है ऊपर, तो मैं अप के साथ ट्रेड जो है वो ले लेता हूँ। तो चलिए आप वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में हमने अर्न कर लिए हैं 14,800 रुपीज़। और यहाँ पे डिपॉजिट करना भी काफ़ी इजी है। सिंपली आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सारे जो इजीली अवेलेबल मेथड्स हैं डिपॉजिट के वो मिल जाएंगे। प्लस बिनोमो आपको देता है इनवाइट अ फ्रेंड का ऑप्शन, तो आप अपने किसी भी दोस्त को अपने रेफरल कोड से इनवाइट कर सकते हैं। और अगर आपके इनवाइट करने पे उन्होंने बिनोमो को ज्वाइन किया तो आपको और आपके दोस्त को मिलेंगे $10 से $20 दोनों को। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑफर है बिनोमो का। तो इस तरह से लिंक कॉपी करके आप अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कर सकते हो और साथ में अर्न कर सकते हो। तो इंतजार किस बात का है, अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो है आपको लिंक मिल रहा है, अभी जाके डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरा प्रोमो कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज़ करेंगे तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट में मिलेंगे स्पेशल बोनसेस। तो जी अभी यहाँ से जाते हुए तो हमें उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, आप देख रहे हो ट्रैफिक व्रैफिक भी उतना नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ 5 बजे के बाद आए तो हमें यहीं पे आधा एक घंटा लग जाता है ना। तो चलिए जल्दी से कोशिश करते हैं वहाँ से लेके ना कि 4 बजे तक ही वापस भी आ जाएं, क्योंकि एसी भी नहीं है गाड़ी में तो दिक्कत होगी ना भाई। चलो पहुँच चुके हैं और अपना बुलबुल का बच्चा ही बाहर खड़ा है। चलो आगे ये है अपनी बोलेरो, बड़े दिन बाद मिस किया मैंने बड़ा, ऐसे जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही है, दिखने में तो वैसा ही है, बाकी अब चलने में क्या कुछ फर्क पड़ेगा कैसे होगा क्या ना। बहुत सी गाड़ियाँ लगी रहती हैं तो काफी सारे कमेंट भी मुझे आते हैं कि भाई ये गाड़ी दिखा दो वो गाड़ी दिखा दो, तो ऐसे नहीं होता यार, ओनर की परमिशन के बिना ना कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई जा सकती। हमने आपको एक डीसी की थार दिखाई थी ना, डीसी जो मॉडिफाइड थार थी, वो भी ओनर की परमिशन के बाद ही दिखाई गई थी। तो आपको मैं गाड़ियाँ ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। अगर आपको कोई गाड़ी स्पेशली देखनी भी है तो मैं ओनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पाजी को बोल सकते हैं, तो पाजी के लिए आप कमेंट कर दो कि भाई पाजी रिव्यूज चाहिए हमें गाड़ियों का, तो फिर हम उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट विदाउट परमिशन मैं मतलब कोई गाड़ी खड़ी है तो उसकी वीडियो बना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो ठीक है। बाकी एक अभी जो बम्पर है इसमें ये मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, हालांकि कट दिया है काट दिया है, टच तो वच तो नहीं कर रहा होगा कहीं, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत मसला तो है ही है। तो आगे अपनी चाबी बोलेरो की, आय हाय क्या बात है, सब कुछ ही रॉ सा फील होता है इसमें, तो अंदर से ही सारा खुलेगा। और हीट तो भाई साहब आया है, गरम 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 मज़ेदार मज़ा। ओ भाई सबसे पहले तो इसको कुछ स्टार्ट करके मैं थोड़ा सा हवा निकाले। चलो अच्छा वो मैम जब निकालना का फ्लोर क्लाइम पे था दोस्तों। फाइनली वी हैव गगन पाजी विद अस। गगन पाजी क्या हाल चाल है, ठीक हो? और सुनाओ, मिलते हैं आप? अभी तो आए मिलना था। गगन पाजी एक्चुअली बहुत ही बिजी थे, बट मैंने कहा कि भाई इनके बिना जो है हमारा टेस्ट नहीं हो सकता, और फिर कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं जो हमें सिर्फ पाजी ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पाजी क्या मुझे पहले फील करना है? पहले फील करना है शो देखो गाड़ी और देखो क्या फर्क है, मतलब ये पहले तो वो चीजें हैं जो सिर्फ मैं ही फील कर सकता हूँ, आपको कैमरे पे दिखा नहीं सकते, बट आपको कैमरे पे दिखाने वाली चीजें भी अभी हम करेंगे। जैसे पहले ये दूसरे गेयर में 60 ही जाती थी, अभी कितनी जाएगी? 60 जाएगी, 60 पर जल्दी जाएगी। हाँ पहले क्या था, जान निकल जाती थी ना। हाँ अब तीसरा डालिए, देखो ना, तीसरा डालो, तीसरा डालो, चौथा डालो, चौथा डाल दो। हाँ आप 4th गियर में 25 की स्पीड से उठा सकते हो। और एक चीज़ हमें समझ आएगी कि जैसे इसमें रेशो डाली है हमने 2.5 करी, रेशो चेंज करी है, इतने पैसे खर्चे, जब गाड़ी बेचनी है तो फिर हमने रेशो क्यों चेंज करी है? बेचने की बात कौन कर रहा है? ये पाजी बोल रहे हैं गाइस, कोई अभी बेचने का ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी। भाई ये क्यों बोला आपने? तो पहुंच चुके हैं अपनी उसी लोकेशन पे। ये लोकेशन आपको याद होगी जहां हमारी बोलेरो चढ़ तो गई थी, बट उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। तो सबसे पहले हब को लॉक करेंगे, पहले जल्दा दिखाएंगे, पहले एक्सप्लेन करें, पहले चलाओ। तो पहले हमने जब ये अटेम्प्ट किया था उस टाइम जो गाड़ी को स्ट्रगल हुई थी वो क्लिप हम डालेंगे, और उसके बाद अब जैसे ये गाड़ी चलती है वो भी आपको डाल के दिखाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी में क्या चेंज हुआ है जो आपको देखेगा। चलो लेफ्ट ही रखो, हल्का आने दो। अच्छा आपने बस स्टीयरिंग यहाँ से करना, ठीक है? तो अभी तो आपने ड्राइवर के साथ देखी ना, अब आप बिना ड्राइवर के भी गाड़ी देख सकते हैं, ठीक है? ले जाओ आप, चलो अब शो दिखाते हैं आप। तो भाई साहब ये वो फर्क है जो आपको पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं है, ऑफ रोड गेम ही सिर्फ टॉर्क का है। आप कहते थे रेस खत्म हो गई ना, तो वो रेशो थी 3.7, ठीक है, ये 4.5। तो इजीली देखो क्रॉल कोई मतलब पहले तो क्या था, आप जब हिट करते थे टायर आपका लिफ्ट होता है कमानी की वजह से, ठीक है, इतनी कम स्पीड है कि वो आराम से आ रही होती है। हाँ, बेसिकली उसको झटका ही नहीं लग रहा, तो गाड़ी को वैसा स्ट्रगल ही नहीं है, वो सारी चीजें एफर्टलेसली कर रही है। एक बार थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देंगे, बिकॉज मुझे भी उतना पता नहीं था। तो जैसे हमने इसकी ना डिफरेंशियल रेशो चेंज की है, सामान पीछे पड़ा, हाँ, तो आपको बताते हैं कि बेसिकली हमने किया क्या है। बाकी जो रीमैपिंग है वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, ये तो डिफ रेशो है। हाँ। ये हमने गियरिंग से खेला है। ओके। इसमें इंजन वही वैसे ही आपका वेडर में भी यही था ना, इंजन स्टॉक था। अब ये था आपका ओरिजिनल यहाँ पे लो। हाँ। ये क्राउन, ठीक है, खोल के दिखा दो, कोई बात नहीं, खोल के पूरा ही दिखा देंगे ताकि सबको अच्छे से जो है पता चल जाएगा। गर्म बड़ा है। अच्छा, बाहर ही खड़ी थी ना गाड़ी। ये क्राउन है, ये पिनियन है, ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा। अच्छा, ये ऐसे मूव करेगा और गाड़ी चलेगी। तो ये 41:11 है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 3.73 रेशो आती है। शाफ्ट आपकी 3.73 टाइम्स चलेगी तो टायर एक बार चलेगा। अब हमने कर दी 4.5, तो 4.5 टाइम्स चलेगी तब टायर एक बार चलेगा। तो टायर चलने के लिए शाफ्ट को ज्यादा घूमना पड़ रहा है। हाँ। तो टॉर्क बढ़ गया इसमें ना। तो बेसिकली ये है डिफरेंशियल रेशो का खेल, लेकिन इससे जो फर्क पड़ा है ना। बाकी फिर अब नेक्स्ट क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? वो लिफ्ट भी करनी थी ना। गाड़ी बेच रहे हो कहाँ? ये पाजी क्या बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। ये भी डील कर रहे हैं मेरे से, रोज नहीं चलती गाड़ी बेच देते हैं। नहीं नहीं गाइस, ऐसा कोई मसला नहीं है, पाजी मजाक कर रहे हैं। ये हो गया एक बेसिक मॉडिफिकेशन, जो आपकी रेशो चेंज हुई, ये तो चाहिए ही चाहिए गाड़ी में, ठीक है। अब इसके बाद इस गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी फ्लेक्स में। हाँ। जहाँ ज्यादा बड़ा गड्ढा होगा ये फिर पैर उठा देगी अपने। रेशो के बाद आता है कॉइल स्प्रिंग। गाड़ी रेशो के बाद फ्लेक्स से निकलती है, जब आप वो गाड़ी चला रहे थे, जब वो पूरा आर्टिकुलेट कर रहे थे। हाँ। फिर फाइनल आता है लॉकर। अब इसमें क्या, आपको इमीडिएटली इसके बाद लॉकर चाहिए, जहाँ फंसेगी आप लॉकर से निकालोगे, फिर भी फंस रही है, बट अगर फ्लेक्स होना इसमें तो इसकी कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और एक चीज़ और होती है कि इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल में एक्सल रैप होता है। अच्छा। तो वहाँ भी पावर लूज होती है, तो वो तो लिफ्ट स्प्रिंग है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मल्टी लिंक में एक्सल रैप नहीं आता। सो जी फाइनली एक रील का जो है वो टाइम आ चुका है भाई। परफॉर्मेंस ऐसी है, तो पहले मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था, मैं गाड़ी से उतर ही जाऊँगा और वो जो रील आपको इंस्टाग्राम पर दिखेगी। चलो तो भाई साहब मुझे लगता है इसके बाद मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अभी जाके रोक लेते हैं। इस टेस्ला को बेसिकली रुकने का पता नहीं चलता, इसे रोकना खुद पड़ता है, बाकी चलिए अपने आप भी जाती है। चलो ठीक है जी, अपनी बोलेरो की तो हम ट्राई मार कर आ चुके हैं, लेकिन एक गाड़ी और जो हमारे पास है और वो यहाँ पे भी है, तो उसकी भी पहले ट्राई मारेंगे। पहले ट्राई मार के फील करूँ, फिर बताएं किया गया। चलो पहले आपको ट्राई मार के मैं बताता हूँ कि मुझे फील क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद ये तो मेरी गाड़ी में भी लग सकता है, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ऑन किया कुछ? अच्छा, एग्जॉस्ट। अरे तो जी अभी मैं मतलब आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं, बस ये है कि एक ना MMG का जादू है हर गाड़ी में। जैसे ये गाड़ी भी है, तो इसमें क्या है कि खड्डा वड्डा तो कुछ फील ही ना हो, चाहे कितना ही वो कर लो, है ना। और स्टॉक जिमिनी में एक दिक्कत क्या आती है, जो इसके पीछे से ना ऐसे बजती है। जब मैंने गाड़ी ली थी वो बताया भी था कुछ उसका, हाँ, पैनाट का चक्कर होता है। हाँ, तो चलिए बाकी फील ली जा रही है, बाकी इसमें क्या क्या है वो आपको भी बताते हैं। एग्जॉस्ट हो रहे हो जी। अभी एक पाजी ने मुझे चीज़ बताई करके, पाजी ऐसा स्टॉक गाड़ी में कोई कर सकता है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है। जो मेन इसमें जैसे है कि सिर्फ लिफ्ट का काम हुआ हुआ है, और उस लिफ्ट से क्या फ़र्क पड़ता है मैं एक बार आपको खुद अंदर से दिखाता हूँ, फिर आपको बाहर से भी दिखेगा। ये स्पीड ब्रेकर है आगे, एक हाथ से मैंने स्टीयरिंग पकड़ा है, स्पीड देख रहे हो आप, ये स्पीड ब्रेकर, ये आपको फर्क दिख जाएगा यहाँ पे। अभी एक स्पीड ब्रेकर और आ रहा है, सिर्फ वही वाला हैंडल करेंगे हम। ये बस मतलब एक हाथ से पकड़ना। मैं आपको एक बारी बाहर जाता हूँ और पाजी गाड़ी चला के दिखाएंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि भाई स्पीड में मतलब जो जिमनी का वो डेथ वॉबल था वो किधर गया। नहीं नहीं, इसमें जिमनी में नहीं है। अगर रोक बोलते मैं हैरान हूँ मैं, क्योंकि शुरू से किट डाल रखे ना, मेरी जिमनी में आज तक डेथ वॉबल नहीं है। अच्छा, तो चलिए एक बारी क्या मैं आपको बाहर से शॉट निकल के दिखाता हूँ। चलिए जी, अभी जा रहे हैं ये। अब ये दोनों स्पीड ब्रेकर है ना, शायद पता नहीं आपको स्पीड में वो चीज़ जस्टिफाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बट आई ट्राई कि वो आपको जस्टिफाई हो, ठीक है। अब जैसे वो स्पीड में वहाँ से आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। तो वो रही जी हमारी गाड़ी, फुल स्पीड में आएंगे वो वहाँ से। कैमरे में पता नहीं वो चीज़ आपको जस्टिफाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये देखो पता नहीं वो चीज़ जस्टिफाई हुई, इतनी ज़्यादा स्पीड में इतना खतरनाक वाला ये ले पाना। देखो फ्लॉलेसली। छाया में ही बता दे। हाँ जाओ। तो क्या है कि यहाँ पे छाया है तो यहीं पे आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा। तो अब जैसे ये गाड़ी अगर आप बाहर से देखते हो तो सबसे जो पहली चीज़ इसमें नज़र आती है और बाहर से शायद इकलौती चीज़ जो नज़र आती है वो है इसके रडार के टायर। और ये रडार का टायर है भाई साहब, क्योंकि रडार का टायर जो है वो 15 इंच में नहीं आता, लेकिन पाजी का इतना पक्का है कि डालना है तो रडार ही डालना ना। और उसके चक्कर में मारुति सुजुकी के ही 16 इंच के जो ओरिजिनल अलॉय व्हील्स हैं वो इसमें डाले हैं। तो 2003 ग्रैंड विटारा के, तो ये मैंने रखे हुए थे संभाल के ना, मेरा फेवरेट अलॉय है। ठीक है, वो उसके आगे वाली लाइन भी बोल दो ना। कह रहे अलॉय के चक्कर में तो गाड़ी ली मैंने। बाहर से जो चीज दिखेगी आपको यही है, और अगर आप गाड़ी को चलते हुए देखोगे तो जो इसमें वेल्वेट्रॉनिक, ये देखो ये जो एग्जॉस्ट है इसकी आवाज भी आपने जब गाड़ी ले रही थी वो तो सुन ली होगी। अब सस्पेंशन, सारा सस्पेंशन पैनार्ड है, लिंक्स भी चेंज है इसके ना। अच्छा, क्योंकि ये 3 इंच लिफ्टेड है तो ये कैस्टर करेक्टेड लिंक्स हैं इसके। ओके, अभी मैंने थोड़ा इसे ट्यूनिंग जो है शॉकर्स की वो सॉफ्ट पे है। ठीक है, इसमें स्टिफ भी मैंने रखे हुए थे। तो ये स्प्रिंग्स अपने 3 इंच वाले आगे, इसमें मेरा चलता रहता है कुछ ना अपग्रेड चेंज करता रहता है। ओके ओके, ये शॉकर आगे, स्प्रिंग आगे, और ये रॉड आगे से भी इतना ही है आगे की भी। हाँ, ये रॉड इधर से देखो, हाँ साइड से दिख जाएंगे दोनों रॉड। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा, ये रॉड्स आगे ना, रॉड्स आगे, ये काफी हैवी ड्यूटी है। ठीक है ठीक है। ओरिजिनल तो कई गाड़ियों में ये रॉड्स भी बेंड हुई हैं। हाँ, बट ये तो हुई नहीं सकती। और बाकी तो परफॉर्मेंस आपने देख ही ली है कि भाई साहब इतनी स्पीड में। एक बार एग्जॉस्ट है वो भी सुन ही लेते हैं। अभी क्या है कि गाड़ी का काम तो जो है वो हो चुका है, लेकिन यहाँ क्या है शाम के टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। अभी आप मेरी ना गर्मी से हालत भी देख सकते हो, टाइट हो गई है, पसीने से रंग भी काला हुआ पड़ा है। तो चलो फटाफट से निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि एसी वैसी है नहीं अपनी गाड़ी में। तो बोलेरो का जो अभी तक का काम था वो तो सारा हो गया, अब आगे के क्या प्लान है वो भी कंटिन्यू करते हैं। बट पहले यहाँ से निकल के रूम पे पहुँचेंगे, रेस्ट करेंगे भाई, गर्मी से तो मतलब मज़ेदार गर्मी है। और भाई साहब जो अपनी बोलेरो में भी फ़र्क पड़ा है ना, मतलब पता है कौन से गियर पे चल रही है। जैसे देखो 5th में भी ऐसे डाल दें, 45 की स्पीड पे आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बात है, डिफरेंशियल रेशो, मतलब मुझे तो कभी इस टेक्निकल चीज़ के बारे में पता भी नहीं था कि इससे इतना फर्क पड़ सकता है। चलिए जी, पहुंच गए हैं ठिकाने पे, कूड़े के पहाड़ के पास। तो यहाँ 2-3 कूड़े के पहाड़ है, मैंने सोचा एक ही कूड़े का पहाड़ है। तो आज की वीडियो जो भी है वो ऑलमोस्ट डन ही है। फिलहाल गाड़ी आज हमने लेनी थी वो ले ली थी, और जो ये परफॉर्म कर रही है और जैसे ये चल रही है, मतलब खुद को इतना सुकून सा। मतलब स्पीड तो देखो आगे भी इसकी कितनी जाती थी, लेकिन अब ये जितनी जल्दी पकड़ रही है ना, मतलब 80-90 पे चल रही होती है और पता ही नहीं होता। नहीं, पहले 80-90 पे इसकी जान सी निकल जाती थी, मतलब इतना ऐसे पुश होता था। अभी 80-90 ऐसे जाती है शुरू करते हुए। अभी आगे के हमारे क्या प्लान्स रहने वाले हैं वो आपको पता चलेगा कल की वीडियो में। और आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, नेगेटिव कमेंट्स वाले नेगेटिव कमेंट करते रहो, जितना क्रिटिसाइज होता है करते रहो, और पॉजिटिव वाले करते रहो, प्यार दिखाते रहो, जिससे हम मोटिवेटेड रहें। तो ठीक है, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।